नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। ये नज़ारा फरीदाबाद 60 फीट रोड का है। आपने सुना होगा ये फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा चर्चित रोड है, क्योंकि इस रोड पर सबसे ज़्यादा पानी जमा होता है। कई बार बारिश नहीं होती तब भी पानी जमा हो जाता है। पिछले 2-3 दिनों से ज़ोरदार बारिश हो रही है, अभी ज़्यादा पानी जमा है। बारिश के पानी के साथ साथ सीवरेज का पानी भी मिक्स है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम आपको लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं, दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे, उनकी परेशानी सुनेंगे। वैसे तो आपको बता दें, यहाँ के जो दुकानदार हैं वो पूरी तरह से नगर निगम से, प्रशासन से और नेताओं से निराश हो चुके हैं। उनका कहना है यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, कोई सुधार नहीं होने वाला है, क्योंकि नेताओं ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, प्रशासन ने अपने कान बंद कर रखे हैं, उन्हें किसी का दुख दर्द दिखाई नहीं देता, इसलिए 60 फीट रोड पर वाटर लॉगिंग की समस्या बनी हुई है। पहले हम आपको विजुअल दिखाएंगे। आप देखिए, हमारी गाड़ी भी आगे नहीं जा पाई, यहीं पर हमारी गाड़ी जो है हमने रोक दी है। अब आप विजुअल देखिए, पूरी तरह से कारों के आने जाने का रास्ता बंद है। आप देख सकते हैं ये नाला भी बन रहा है, लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है। यही दुकान है आपकी? आपकी दुकान है? नहीं, किराए पे। किराए पे है। पानी अभी तो कम हो गया है, कितना पानी इकट्ठा हो गया? पानी यहाँ पर बहुत चलती है, बड़ी गाड़ी बंद हो जाती है। बड़ी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, काफ़ी समस्या होती है आपको। ग्राहक आते हैं कि नहीं, सब्जी बेचते हैं? यहाँ पे इतनी समस्या खराब है, बहुत ज़्यादा है। सब्जी बेचते हैं आप? हाँ जी, सब्जी बेचते हैं। अच्छा, कोई तो ग्राहक नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल? ग्राहक तो 8-3 दिन हो गए, नहीं कोई आ रहा है। पानी, ये काला पानी इकट्ठा है, इसमें बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। हाँ, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें। बहुत सर, आप क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ तो कई साल से यही हाल है, बिना बारिश के भी यहाँ पे पानी भरा रहता है। कई बार हम लोग वीडियो वगैरह दिखाते हैं लेकिन सुधार नहीं होता। ना, कई लोग दुकानदार भी कहते हैं, भाई साहब कितना भी दिखा लो सुधार नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो क्या नेताओं पर इतना भरोसा खत्म हो गया है, प्रशासन पर, नगर निगम पर इतना लोगों का भरोसा उड़ गया है कि लोगों में निराशा जाग गई है, यहाँ पर कोई सुधार नहीं होने वाला, कितनी भी खबर दिखा लो? हाँ, जो भी आता है वो क्या कहेंगे सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में, नगर निगम के बारे में, यहाँ के पार्षद विधायक के बारे में? ये तो ऊपर से इस सेंटर से ही वो होना चाहिए, इसका जो स्टेट गवर्नमेंट से ही, राज्य सरकार को देखना चाहिए। सही बात है। दिक्कत क्यों आ रही है यहाँ पर? दिक्कत क्यों आ रही है? पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है? दिक्कत यही है कि सफाई नहीं होती प्रॉपर, नालों की सफाई नहीं होती, सीवरेज की सफाई नहीं होती। सही बात है। अगर रोजाना सफाई होती रहे तो पानी इकट्ठा नहीं होगा, नाली जाम नहीं होगी, कूड़ा निकल जाएगा। सही कह रहे हो आप। क्या नाम सर आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र, आपका? जुम्मा खान। हाँ जी, जुम्मा खान। अच्छा, चलो आगे चलेंगे। बहुत सारे दुकानदार हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, साइड से हम निकलेंगे और ऐसी यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि कभी भी कोई गिर सकता है। बहुत बच बच के चलना है। हाँ भाई, खड़े हो सकते हैं यहाँ पे? नमस्कार भाई साहब। ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है, ये तो हमने देखा है, बहुत दिनों से इकट्ठा हो रहा है यहाँ का। तो जो यहाँ के जो विधायक, पार्षद हैं, नगर निगम है, प्रशासन है, समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहा है, ये बताइए। और समस्या क्यों पैदा हो गई, पानी क्यों इकट्ठा होता है? ये जो है ना ये गेम खेलते हैं। अच्छा, ये 60 फुट पड़ता है ना, 2 वार्डों का एरिया पड़ता है, उस तरफ कोई और वार्ड पड़ता है, इस तरफ कोई और वार्ड पड़ता है, बीच में पिस रहे हैं आप लोग। बीच में पिस रहे हैं हम लोग इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो समस्या है, सीवरेज की समस्या है, नालियों की समस्या है, साफ सफाई नहीं होती, पानी कैसे इकट्ठा हो जाता है, कूड़ा वगैरह इकट्ठा होता है, क्या दिक्कत है? जो आदमी काम करने वाले हैं वो कुछ लापरवाही करते हैं, कुछ रहने वाले लोग लापरवाही करते हैं, सबकी लापरवाही। सही कह रहे हो। रोजाना सफाई करने वाले आते हैं नगर निगम के लोग? रोजाना तो नहीं आते, लेकिन हफ्ते में एक आध बार उनका चक्कर लगता है। अच्छा अच्छा, ये चौड़ी भी हुई थी रोड, लेकिन चौड़ी दिख तो नहीं रही है। चौड़ी हुई है, 60 फुट पूरा किया था इसको। अच्छा, लेकिन कुछ क्या है, कुछ लोग रोजगार के लिए अपना थोड़ा थोड़ा मतलब ऊंचा कर लेते रहते हैं, कुछ ऊंचा कर लेते हैं, मतलब हर कोई आदमी गरीब आदमी है यहाँ। सही बात। और आप लोग ऊंचा नहीं करेंगे तो पानी दुकानों में घुस जाएगा। सही कह रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 27 साल से देख रही हूँ ये समस्या, जो पानी की जो इकट्ठा हो रहा है, पहले तो नहीं होता था? 27 साल होगी हम देख। अच्छा, पहले से हो रहा है, पहले से यही हाल है, इसका कोई सुधार ही नहीं है, समाधान नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर मोटी सीवर लाइन नहीं डली है क्या, जो पाइप मोटी होती है? नीचे डली हुई है, काफी नीचे है वो।
काफी, लेकिन आगे का जो एरिया पड़ता है ना वो काफी ऊंचा है। अच्छा, यहाँ से 60 फुट से काफी ऊंचा है, तो रोड पानी कभी रोड क्रॉस करता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, पानी रुका रहता है। पानी रुका ही रहता है, तो सीवरेज की समस्या है सबसे ज्यादा। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। थोड़ा आगे चलेंगे, आप लोग देख सकते हैं ज्यादा आगे जाने कर भैया, हम तो दिखाएंगे, बाकी सरकार का काम है, वो सुधार करेगी ना कर, क्यों भाई साहब? हाँ, हमारा काम है दिखाना, आपकी परेशानी दिखाना भाई, हमारे हाथ में उतनी पावर नहीं है कि हम काम करा दें कि नहीं भाई साहब, सही कह रहे हो। जिनके हाथों में आपने पावर दी है उनको करना चाहिए कि नहीं? हाँ, जीत के बैठ जाते हैं, सही कह रहे हो आप। तो दोस्तों देखिए, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर रोड की, और यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है, तख्त पर चढ़ेंगे भाई, जिसका तख्त हो उसको सॉरी, मजबूरी बस चढ़ना पड़ रहा है। क्यों छुप रहे हो भाई, क्यों छुप रहे हो, आओ इधर आओ। ये युवक हैं भाई साहब, क्या नाम है? नूर आलम। नूर आलम जी, ये जो समस्या है 60 फीट रोड की, आप लोग वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं, हम लोग डालते भी रहते हैं, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्या जो नेता है, नगर निगम है, प्रशासन है, वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं ले रहे भाई, सीरियस। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा नहीं कि पीछे से इनको पैसा, आंखें बंद कर रखी है, नाक कान बंद कर रखे हैं अपने, सब कुछ बंद कर, सब झोल है। जो कहते हैं स्मार्ट सिटी बन रही है, यह तो स्मार्ट सिटी, मिनी गोवा है, यहाँ तो खड़े रहना मुश्किल है, क्या करें जी, हैं? यहाँ के सब ऐसे फेल हैं, सब फेल हैं, विधायक फेल हैं। कौन है पार्षद? सुरेंद्र अग्रवाल। विधायक जी? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, और भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, कांग्रेस का विधायक हैं जी, क्या करें जी, दोनों मिल के काम नहीं करा रहे हैं, सही बात है, ऐसा अगर जैसे बीच पे आ गया हूं। अगर दोनों मिल के काम कराएं तो हो सकता है काम हो जाए, सही बात है। आपका ये सब विकास के मुद्दे पे वोट मांगते हैं, जैसे कि जनता को बेवकूफ बनाते हैं, वोट के इलेक्शन के टाइम पर मीठी मीठी बातों फंसाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किए हैं ये लोग। सही बात है, सुरेंद्र अग्रवाल तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ये देखो विकास कैसा हो रहा है, गंगा जमुना बह रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर नगर निगम में भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, सांसद भी बीजेपी के, मंत्री भी हैं, बड़े मंत्री हैं, तो क्या कहना है उन लोगों? सब भैया अपनी अपना घर भरते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी जाओ नहीं तो उल्टा बोलते हैं सबकी सब। अच्छा, कोई काम नहीं सुनता, सब अपने घर में बैठ के टीवी में मनोरंजन लेते हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जब कोई काम नहीं सुनता इलेक्शन के टाइम पर बाबूजी बाबूजी हाथ जोड़ कर आते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बाइक वाले आ रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही, देखिए ये फरीदाबाद 60 फीट रोड का नजारा है, देखिए इंटरव्यू चल रहा है, अगर गाड़ी बंद हो जाएगी तो धक्का देना पड़ेगा, ये हालत है। तो कैसे आप लोग जाते हैं उस तरफ? यहाँ तो पानी जमा हुआ है, ये हमने एक बोट बनवा रखी है छोटी सी। अच्छा, अगर वहाँ जाना होता ना बोट में बैठ के राफ्टिंग करते जाते हैं, बोट बना रखी है, नाव बना रखी है, यहाँ से चलो नाव बना रखी है लोग। आप बताइए आपका क्या कहना? अरे नाव बनवा ला था दो चार, हमारे पास कहाँ नाव है, हम तो गाड़ी से आए, गाड़ी बंद हो गई हमारी, पानी भर रहा सड़क, गाड़ी बंद हो गई हमारी भी, हम तो नाव ढूंढ रहे हैं। गाड़ी बंद तो होगी तो फोन कर, जिन्होंने तो भेजा उनको फोन कर, ये समस्या तो। चलो ठीक है, महिलाएं हैं, हाँ आगे चलेंगे। ये सभी दुख भैया, कोई ग्राहक वगैरह आ रहे हैं? ग्राहक वगैरह आ रहे हैं? आ जाओ, थोड़ा बात कर लो हमसे। क्या नाम सर आपका? सबसे पहले तो भाई साहब हमारी तरफ से सॉरी आपको, हम लोग इतना दिखाते हैं, नेता लोग काम नहीं करते, प्रशासन काम नहीं करता, और आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, फिर भी हम लोग लगे रहते हैं, बार बार दिखाते हैं कि भाई नेता लोग सुन ले, प्रशासन सुन ले, सरकार सुन ले। अब आपका क्या कहना भाई, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं भाई, मैं क्या कहूँ, आप उनसे बात कीजिए। नहीं नहीं, कोई ग्राहक वगैरह आ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल भी ग्राहक नहीं, काम धंधा बंद है बिल्कुल, क्यों बंद है? एक तो रोड इतना खराब, रोड खराब है, पानी जमा हुआ है, आपने देखा होगा, मैं तख्त पे चढ़ के आया हूँ, रास्ता पूरी तरह से नहीं था, आने जाने का साइड में भी नहीं था, तो ग्राहक कैसे आते होंगे, आप लोग खुद सोच सकते हैं। ये बेचारे की कपड़े की दुकान है, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम वसीम है जी। वसीम जी, कपड़ों की दुकान है, लेकिन गंदा रोड है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो कोई कस्टमर नहीं आता। देखिए ये नाला जो है खुला हुआ है, और बड़ी मुश्किल से हम आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी हमारी रुक गई है कहीं पर,
सब खाली बैठे हैं दुकानदार, देखिए कोई दुकानदार जो है इस वक्त बिजी नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है किसी के पास, सब सिर्फ जो है मजबूरी से देख रहे हैं भाई पानी जाए तो कस्टमर आए। ये गाड़ी बंद हो गई भाई साहब की, ये भाई साहब अंदर नहीं घुसा रहे अपनी गाड़ी। तो दोस्तों आप लोग लाइव देख रहे हैं फरीदाबाद 60 फीट रोड, ये NIT 86 विधानसभा में आता है और वार्ड नंबर 6 पड़ता है। हाँ जी, वार्ड नंबर 6 पड़ता है। इस वक्त मैं नाले पर चलकर आगे बढ़ रहा हूँ और कई जगह नाला खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर पानी जमा हो गया होगा ना, पानी निकला होगा तो कूड़ा जो है कूड़ा बाहर आ गया। भाई साहब राम राम, कहाँ थे ये सब हैं दुकानदार हैं। राम राम जी, क्या हाल है भाई साहब, कोई कस्टमर आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है ऐसे पानी में, तो पानी में नहीं आ रहा है, नहीं। खाली बैठे हैं, खाली बैठे हैं। सब्जियां तो खराब हो जाएंगी आपकी, खराब हो रही है, किराए की दुकान है, किराए की दुकान है। किराया कितना होगा? 12,000। किराया तो भरना पड़ता होगा हर महीने, लॉकडाउन का भी गया, लॉकडाउन का भी गया, किराया भरो, ग्राहक नहीं आते हैं, नहीं आते, घर से पैसे, घर से पैसे जा रहे हैं। कर्जा वर्जा ले रखा होगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक जी, कर्जा वर्जा ले रखा होगा? नहीं, अपना बचत खर्च कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो सेविंग होगी वो खर्च कर रहे हैं दुकानदार। आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक हम चल पाएंगे चलेंगे। नमस्कार भाई साहब, ये क्या है भाई साहब, ये तो बड़ा गंदा है, हैं जी, ये तो खून लग रहा है। तो भाई साहब कहाँ से जाएं? हैं, गिर जाएंगे कहीं ना? अरे नहीं कुछ नहीं है, हम भी चलेंगे आगे। अच्छा आप भी चलेंगे, चलो देखो हम पानी में घुसेंगे और उस तरफ चलेंगे, क्योंकि हमने पैंट वगैरह अपनी मोड़ रखी है, आराम आराम से चलेंगे। भाई साहब देखना गड्ढा वड्ढा ना हो, हैं, तो बहुत गंदगी है, कीचड़ जमा है इसमें, पैर फंस रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रोड के बीच में हम हैं इस वक्त, प्रधान जी हैं मार्केट के, देख सकते हैं आप लोग। आ गए हैं दूसरी साइड में, पानी में घुसना पड़ सकता है इसलिए हमने पहले से अपने पैंट वगैरह मोड़ रखा था। प्रधान जी आइए, नमस्कार, इधर आओ सर, आओ सर आओ, तो बातचीत करेंगे जो यहाँ के प्रधान हैं दुकानदारों के। हाँ, और ये सब कह रहे हैं कोई सुधार नहीं होगा, कितना भी वीडियो बना लो, सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो अपना कर्म करेंगे, सुधार हो या ना हो, सही बात है भाई साहब, हमारा काम है आपकी परेशानी, हमारा काम है आपकी परेशानी दिखाना, 100 बार दिखाएंगे, और काम ना करें नेता लोग प्रशासन जिम्मेदार है, क्यों भाई साहब? प्रधान जी बिल्कुल, हम तो अपना कर्म करेंगे, आप क्या कहेंगे बताइए? सर जी हम तो देख देख के अब झिक लिए, पूरा 25 साल देखते हुए, 25 साल हो गए झिक लिए हम तो, अब तो लग रहा होगा ये समस्या का समाधान नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, हमने तो कहना ही छोड़ दिया, नहीं कहीं जाना छोड़ दिया, नगर निगम जा जाके थक गए, अच्छा मेयर के पास चले गए, इसके पास चले गए, सब जगह घूमे, पूरी तरह से निराश हो गए, बिल्कुल निराश है जी, बिल्कुल कुछ नहीं। अच्छा जब वोट वगैरह आप लोग देते होंगे पार्षद के, किसी को नहीं देना वोट, नोटा दबाएंगे, जब आप वोट देते होंगे तब तो लगता होगा ना समस्या का समाधान, करते हैं जी कि 15 दिन में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कनॉट प्लेस बना देंगे, हर 5 साल बाद वही भाषण कह रहा है, इस बार साठपुट की समस्या का समाधान कर देंगे। अच्छा, अगले जीत के आ गया, दोबारा आया, फिर हो रहा इस बार समस्या का समाधान, तो 5 साल में क्या किया तुमने? सही बात है, सही कह रहे हो आप लोग। चलो हम तो ये नहीं कहेंगे आप लोग नोटा का बटन दबाइए, हम तो ये कहेंगे किसी पढ़े लिखे समझदार को वोट दीजिए, भले ही 10 वोट उसको मिले लेकिन उसका हौसला बढ़ेगा, अगली बार और मेहनत करेगा। ये दुकानदार हैं निराश हो चुके हैं प्रशासन से, नगर निगम से, विधायक से, पार्षद से, अब इनको लगता है कोई काम नहीं होगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, 15,000 रुपए दे, बताओ 15,000 रुपए किराए, हाँ जी दुकान का किराया है जी। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतने पानी में बारिश में आप यहाँ पे आए हो हमारा आचार विचार लेने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही मीडिया, मीडिया एक बहुत महाशक्ति होती है, नेता लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं, इतने पानी में आके दिखाएं
यहाँ सड़ा हुआ पानी है, इतना टट्टियों वाला पानी है। यहाँ अंकल जी एक रेडी लगाते थे जी 1.5 महीने पहले, 1.5 महीने से लगातार यहाँ पे पानी भर रहा है बिल्कुल, और इससे 35 साल हो गए इस पानी को भरते हुए रेगुलर। ये नाले का पानी है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, नाले में से निकला हुआ पानी है ये टट्टियों वाला पानी, ठीक है ना। और ये यहाँ का पानी नहीं है, ये पहाड़ी का जो पानी है जनता कॉलोनी का, बड़कल का सारा पानी यहाँ पे कर रखा है। ये और नीचे बढ़ गया है, इसका कारण ये है जो आगे रोड ऊंची हो रखी है बस। ये जो आगे रोड ऊंची हो रखी है वो अगर हटा के नीचे कर दे तो फिर से डाला जा सकता है। सब चीज करिए जी, कोई हल नहीं निकला, बूस्टर लगाया कोई हल नहीं है जी। जैसे लॉकडाउन हुआ जी मोटर खराब हो जाती है कभी कभी, डीजल खराब, डीजल नहीं होता कभी, मोटर खराब हो जाती है कभी। हाँ जी, जैसे ये NIT विधानसभा क्षेत्र है। हाँ जी, और जब मुझे लगता है लोकसभा के चुनाव हुए होंगे तो सबसे ज्यादा वोट इधर से मिले होंगे मेरे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आबादी यहीं पर रहती होगी। हाँ जी हाँ जी, और जैसा कि हमारे मोदी जी भी वो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं, पैसे भी काफी ज्यादा फरीदाबाद में आ रहा है जी, दिख तो रहा है आपको स्मार्ट सिटी। और जो सांसद महोदय हैं 6 लाख वोटों से जीते थे, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो उनकी भी है। आपके अगर अगर जो है पार्षद विधायक में नहीं बन रही है तो सांसद जी को आगे बढ़ना चाहिए, काम कराना चाहिए, फंड ले आना चाहिए यहाँ के लिए। अगर सीवरेज सिस्टम फेल हो रहा जी, है, सब चीज फंड आ चुका है। हाँ। आप क्या बात कर रहे हो, पूरा फंड आ चुका है, हर चीज है। ये रोड 2 बार पास हो चुकी है, अभी तक बनने को राजी नहीं हुई है। वही तो कह रहा हूँ, 2 बार पैसे खा गए हैं, पूरी फाइल दबा देते हैं, पैसे आते हैं पैसे खा जाते हैं, जला देते हैं, ये तो हमने देखा। हाँ जी, और दूसरी बात रही इसकी, क्या नाम है ये बूस्टर की, कभी इसमें वो डीजल खत्म हो जाता है, कभी इसमें पानी क्या नाम है वो नहीं होता है, पन्नी फंस जाती है। अच्छा। तो मोटर पे डिपेंड है जी ये रोड, मोटर पे कैसे हो जाएगी डिपेंड बताओ, कोई मोटर कब तक पानी निकलेगा। हाँ, ये कचरे वाला पानी है, नाला वाला निकाल के फेंकते हैं, पानी पल्ली तरफ निकाल के फेंकते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, ये वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, 3 पार्षदों का वो है जी संगम। और हम MLA जो हमारे साहब हैं ये नीरज शर्मा जी, ठीक है ना, इन्होंने बोला था कि छुट्टियां कटवा दूंगा और पानी रहेगा नहीं, 15 दिन में पानी खत्म हो जाएगा। आज 5 साल होने जा रहे हैं पूरे, अब इलेक्शन भी आने वाले हैं पार्षदों के, देखते हैं जी ना पानी खत्म हुआ है ना कुछ हो पाया है जी, ना विधायक जी ने छुट्टियां कटवाई। 15 दिन सर, सब दुकानदार परेशान है, सब दुकान में पानी भरा हुआ है। पानी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं, एक तो वैसे कस्टमर नहीं आ रहे हैं और ऊपर से दुकान में पानी भर गया और नुकसान भी हो गया। बिल्कुल, दुकान में पानी भर गया, नुकसान भी हो रहा है। ये देखिए भाई साहब कितनी मुश्किल से पानी निकाल रहे हैं और गंदा पानी है। भाई साहब बहुत बहुत सॉरी कि आपको इतनी मुश्किल हो रही है, हम लोग दिखाते हैं लेकिन नेता लोग काम नहीं करते भाई, क्या करें। देखिए हर तरफ पानी भरा हुआ है, लोगों को नुकसान हो रहा है, बर्बाद है दुकानदार। हाँ ये देखिए पानी भरा हुआ है, और ये जो है क्या है भैया, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है। भैया आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई साहब, बड़ी दिक्कत है, क्या करें। ये सभी दुकानदार हैं, अब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर और अपनी परेशानी बता रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर नूर हसन। देखिए हमने कई बार वीडियो दिखाया लेकिन काम नहीं हो रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन हम बार बार वीडियो दिखाते हैं। हम यही उम्मीद रखते हैं नेताओं से, काम करें, मिलजुल के काम करें, समस्या का समाधान करें। अब आपका क्या कहना है सर? समाधान तो ये तुम्हारे सामने ही हुआ पड़ा है, कितना समाधान है? कुछ नहीं समाधान है। नहीं, समाधान तो हो गया है सर, इससे बड़ा और समाधान क्या होगा? बताइए क्या हो गया। देखो दुकानों में पानी भरा पड़ा है, घरों में पानी है, रोड पे पानी है, गलियों में कीचड़ हुई पड़ी है। हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और समाधान सर, इसे 60 फुट रोड नहीं, 60 फुट नाला गई है। ये अच्छा, अगर आप बोले ना 60 फुट नाले पे जाना है, ये 60 फुट नाला है, ये गोवा की झील है, ये तो इसका नाम नाला ही बदल के रख लेते हैं। नहीं, 60 फुट नाला नहीं, गोवा की झील रखो इसका नाम, क्योंकि गोवा की झील इसलिए क्योंकि सर देखो बीच में पानी भरा पड़ा और साइड में हम लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं इसका पानी का, ठीक है। काम धंधे ऐसे हुए पड़े, आप कैमरा कोई बड़ा वाहन आता है तो लहरें भी साथ में जाता है, सही बात है। एक भी दुकान खुली हो तो बताइए। बिल्कुल, मैंने देखा सारे दुकान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं किसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, कोई ग्राहक नहीं किसी भी दुकान पर, सही बात। बिल्कुल, तो आप लोग देख सकते हैं 60 फीट रोड पर
जो दुकानदार हैं बहुत परेशान हैं, सबका धंधा चौपट हो गया है और कई कई दिनों तक ये पानी नहीं निकलता। सर ये जो बैठे हैं ना हमारे बुजुर्ग हैं, ये इनके पैर में भी चोट लग चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी साइकिल की दुकान है आगे जाके। हाँ हाँ बिल्कुल, बंद करके बैठे हुए हैं बेचारे, क्या करें। बिल्कुल सही बात, सब परेशान है। देखो बच्चे, देखो सरकार ने दांतों का साफ करने का तो कर दिया पर नाले का साफ करने नहीं किया। चलो ठीक है, थोड़ा आगे वैसे नहीं जा पाएंगे, इससे आगे दोनों तरफ का रास्ता बंद है। पल्ले रोड पर भी पानी है, पल्ले रोड पर भी पानी है इसी तरह से। दुकानदारों ने अपनी परेशानी बताई है, सब परेशान है, नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग निराश हैं। इनका कहना अगली बार नोटा पर बटन दबाएंगे, नेताओं को वोट नहीं देंगे। आओ सर आओ, थोड़ा सा लंगड़ा क्या? नहीं नहीं, जो लंगड़ा रहे हो वही लंगड़ा हो। कल ये गिरा है और देखो इसके पैर में देखो कितनी सूजन आई हुई है। हाँ वाकई में इनको चोट आई। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम सर? पंकज। कहाँ गिरे? नाले में गिर गया। कहाँ नाला है? हमारे वाले में। अच्छा नाले में गिर गया। अच्छा चोट आ गई आपको, क्या कहना है? जो नेता लोग हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सब ऐसे हैं जी। हाँ सब ऐसी किसी से कोई उम्मीद है? कोई भी नेता कोई उम्मीद नहीं है जी, है जी? किसी से कोई उम्मीद नहीं। फरीदाबाद में करीब 1000 नेता होंगे, हैं जी? सब ऐसी है, 1000 नेता होंगे, सभी पार्टियों के सब जीरो है, सब जीरो है। तो कोई ऐसा नेता निकल के सामने नहीं आ रहा है जिस पर लोग भरोसा करें, हाँ जी? किसी भरोसा नहीं सर। भरोसा तो पता है किस पे? अब तो सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा। ऊपर वाले पे पता नहीं कब आएगा। अब वो इसे ये उम्मीद हो रही है पता नहीं कब नंबर आने वाला है हमारा। अच्छा, क्योंकि हम इसको देखते देखते सर 5-6 साल हो गए। कोई हमारे नेता ऐसे हैं बेचारे, वो तो कभी छुट्टियां कटवाते हैं, और कोई नेता ऐसे हैं कि भैया मैं विकास कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई विकास नहीं हो रहा सर। इतना बुरा हाल है कि कोई बता नहीं सकते, और इतना पानी है। अब तो कुछ भी नहीं है, जब बारिश होता है ना तो घरों में पानी घुस जाता है। और देखो इधर पे दुकानें जो है ना, करोड़ की दुकान है जी, किसी की कितनी महंगी। कई बार भाई जब देखो किराए की दुकान है, 15,000 रुपए किराया देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है पानी सूख जाएगा, आप लोग परेशानी भूल जाओगे फिर। नहीं नहीं हम नहीं भूलेंगे सर। अब तो ये याद है, जब माँ के पेट से हम पैदा हुए ना, रण कर लिया है। माँ के पेट से पैदा हुए ना, और जब याद रहा कि ये दुनिया, अब तो याद होगा कि ये नेता जो है ना साले जूतों की माला डलेगी सबके गलों में, जो भी आएगा, जो कोई भी वोट मांगने आ जाए, एक बार आ जाए तो उसका स्पेशल फोटो खींचेंगे और दीवारों पर लगा देंगे। हाँ भाई ये हमारे स्वागत है, ये हमारे भूतपूर्व नेता है, मतलब कोई नेता नहीं है हमारा, ये भूतपूर्व है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेता लोग अगली बार वोट मांगने ना आए, नहीं तो जनता अच्छे से स्वागत करेगी। अगर अगर काम करवा दें तब कोई मीटिंग नहीं होने देंगे। हाँ सर काम करवा देंगे, ये काम करवा देंगे। सिर्फ ये काम पता क्या करवाएंगे, अपना लेंटर डाल लेंगे, ठीक है, अपने घर के सामने टाइल लगा लेंगे, और इनके बस की कुछ काम नहीं है। एक काम हो रही, ये मरे में जरूर पहुंच जाते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, हाँ, और इन पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि भैया इस पानी से गिर के मरेगा तो फिर वो जाके वहाँ मरेंगे। सबके यहाँ मरे में पहुंचेंगे तो लोग सोचते हैं वोट मिल जाएगा। हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगी सर। चलो बुरा हाल हुआ पड़ा, वो देखिए वापस लौट गया। ये सर ये देखिए, ये देखो 4 पत्थर गिर गए। सही बात है, सही। और यहाँ पे जब पत्थर गिरे तो जब हम भी गिरे इसके अंदर, अब हम इतने गिर चुके हैं कि अब गिरने की हमें कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बिल्कुल, क्योंकि ये पानी इतना अच्छा है हमारा, गिर गिर। अब देखो बुजुर्ग आदमी है, देखो ये खड़े, ये इनके बेचारे की दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई थी जो गली में को। अभी ये भैया आए थे। हाँ। तो भैया ये बताइए, दुकान तो चल नहीं रही, कोई कस्टमर आ नहीं रहे, खर्चा कैसे निकल रहा है सर? खर्चा अब हम जैसे नेताओं ने भीख मांगे ऐसे हम मांगे भीख मांगोगे? हाँ और क्या क्या करें, साल और क्या बचा के खा रहे हैं जी, सामान ला ला के बेच रहे हैं सामान ला ला। प्रधानमंत्री अब तो गुरुद्वारों पे जाते हैं, या प्रधानमंत्री योजना चलेगी तो वहाँ पहुँचेंगे बस, और क्या करें। इन्होंने तो ये हाल कर दिया, बुरा हाल हो रखा सर। अब अन्य योजना भी नहीं मिल रही। यहाँ पर करीब करीब 3-4 हजार दुकानें होंगी सर यहाँ पे ना, 3-4 हजार में कम से कम 10,000 लोग नौकरी करते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि दुकानों में काम इस कॉलोनी में। हाँ सर वैसे दुकान पे 10,000 लोग करते हैं, और 10,000 लोगों के साथ सब बेरोजगार होंगे सर। ये तो लगे 10,000 लोगों के साथ कितना बड़ा परिवार है, हर किसी के साथ 3 है, लाखों लोग डिपेंड है। अगर 3 को गुणा करते हो तो 30,000 सीधे से लोग हो गए सर। ये दोनों बस्तियां ये सबसे ये लगा के मान के चलिए, ये 3 वार्ड जुड़ते हैं इससे। एक तो ये हमारे 6, 7 और 5, ये 3 जुड़ते हैं, और ये तीनों जो है ना, ये तीनों वार्ड, और इधर पे जो क्या है सर लास्ट तक आना जाना यहीं से। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल लास्ट पर्वतीय। हम देखो ट्रक, देखो वो ट्रक भी टूटा पड़ा है, वो
इतना बुरा हाल हुआ पड़ा, बहुत तो लाखों लोग डिपेंड इस रोड पर हैं। अगर रोड सही रहेगा तो लाखों लोगों की आमदनी होगी, परिवार चलेगा उनका, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेता लोग ध्यान दें। अभी कल परसों जन्माष्टमी था, परसों वाले दिन जन्माष्टमी था। आप यकीन नहीं करोगे, इन बेचारे दुकानदारों ने बड़े खुश होकर लगाया कि भाई चलो दुकानदारी होगी, बेड़ा गर्क हो गया सर, त्योहार का त्योहार खराब हुआ और बेचारों की कोई बिक्री नहीं हुई, सब परेशान है। ये तो वही है जो झिका हुआ है ना, वो बेचारा थोड़ा चला रहा, नहीं तो किरायेदार तो ये लगा मान के चलिए कि किराया दे दे के परेशान हो चुके। सही बात है। चलो धन्यवाद सर, हमने आपसे बातचीत की, हमने आपकी परेशानी दिखाई, देखते हैं कुछ समाधान होता है, नहीं तो आप लोग ही मालिक हो। चुनाव में आप लोग जरूर सबक सिखाओगे नेताओं को जो काम नहीं कर रहे हैं। हम आपको जूम करके दिखाते हैं 7 फीट रोड इंड तक, ये देखिए, वहाँ तक हम जा नहीं सकते लेकिन जूम कर सकते हैं, आप वहाँ तक देख सकते हैं, पानी ही पानी है। अभी पानी थोड़ा सा निकल चुका है, वरना बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ था, कल तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, आपने देखा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो लाइव थी फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ पर। तो हमने आपको 7 फीट रोड के दोनों तरफ के दुकानदारों की परेशानी दिखाई है, उनसे बातचीत की है, नेताओं से गुजारिश है इनकी, विधायक से, पार्षद से, सांसद महोदय से, मंत्रियों से, समस्या का समाधान करें ताकि इनकी आमदनी हो सके, इनकी दुकानदारी चल सके, इनके परिवार का भरण पोषण हो सके, इनका काम धंधा फिर से आगे बढ़ सके। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप, नमस्कार, जय हिंद।